ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन ये हमने पिछली क्लास में सीखा था, उसको मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिख लेता हूँ और फिर इससे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चंस करेंगे। ये रिजल्ट हैं, ये प्रॉपर्टीज कह सकते हो आप। अगर हमारे पास k की वैल्यू, k कोई कांस्टेंट है, अगर वो पॉजिटिव है तो मॉड एफ एक्स अगर इक्वल टू k है देन हम बोलेंगे कि एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस के। अभी क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे अभी हम बात करेंगे थोड़ी ही देर में। और के पॉजिटिव लेना ही लेना है सभी के केस में, पहले के तीन केसेस में। और ये मॉड एफ एक्स जो है अगर लेस देन के है देन हम बोलेंगे कि एफ एक्स की वैल्यू माइनस के से प्लस के मिड में। अब अगर मान लो यहाँ ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ है, सपोज करो यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया गया, तो इक्वल टू लगाओगे तो यहाँ भी इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ भी तो कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर इस टाइप का हमको मिलता है तो घबराने वाली बात नहीं है। तीसरा जो है केस वो कौन सा हो जाएगा कि अगर मॉड एफ एक्स जो है ग्रेटर देन के है तो हम क्या बोलेंगे, देन एफ एक्स की वैल्यू या तो क्या होगी, लेस देन या ग्रेटर देन के हो जाएगी, और या फिर और करके हो जाएगा। और का मतलब है कि ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों ही आंसर होंगे। कई बार कंफ्यूजन होगा क्वेश्चन में कि कई बार हम इंटरसेक्शन लेंगे कहीं पर, कई बार हम यूनियन लेंगे, तो हमें कब इंटरसेक्शन और यूनियन लेना है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ इसके बारे में, भी क्वेश्चन में और आइडिया होगा। एंड जहाँ पर आएगा वहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा आंसर लेते समय, और जहाँ पर और आ जाएगा वहाँ पर यूनियन आ जाएगा। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है कलेक्शन, सबको एक साथ लेना है, और इंटरसेक्शन का मतलब है जो कॉमन है उनमें से वो हमें लेना पड़ेगा। वो भी क्वेश्चन क्वेश्चन में डिपेंड करेगा किस तरीके से हमें समझना होगा, अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। तो ये हो गया एफ एक्स की वैल्यू जो है जब के ग्रेटर देन जीरो है। फिर फोर्थ नंबर से हमारा आ जाएगा कि अगर के की वैल्यू जो है एफ एक्स, यहाँ पर पहले के बारे में लिख लेते हैं कि के जो है वो क्या हो, एफ एक्स ग्रेटर देन के और लेस देन माइनस के। ओके, ये यहाँ पर एफ एक्स ग्रेटर देन के और एफ एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू माइनस के। अभी भी एक्सप्लेन करूँ या क्लियर हो? ओके, बिल्कुल, वो दोनों एक ही चीज़ हमने लिख दी हुई थी। अगर एफ एक्स की वैल्यू के से बड़ी है तो इसका मतलब जो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स की वैल्यू अगर के से बड़ी है तो एफ एक्स ग्रेटर देन के होगा, अगर इक्वल लगा है तो इक्वल टू आ जाएगा, और एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस के अगर इक्वालिटी भी लगी है तो। बिल्कुल सही है। उसके बाद अब के की वैल्यू जैसे हमने ग्रेटर देन जीरो ली थी, अब हम लेस देन जीरो ले लेते हैं। तो अगर के लेस देन जीरो है तो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स अगर इक्वल टू के है देन हम बोलेंगे नो सोल्यूशन। दूसरा यहाँ पर फाइव नंबर में आ जाएगा कि अगर मॉडुलस ऑफ एफ एक्स की वैल्यू अगर लेस देन के है, के नेगेटिव, के जो है वो हमने नेगेटिव लिया हुआ है, तो अगर के जो है नेगेटिव है तो मॉड जो है वो पॉजिटिव फंक्शन होता है। तो के अगर नेगेटिव है तो कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता, तो बोलेंगे नो सोल्यूशन। दूसरा एफ एक्स जो है वो लेस देन के है तो जब नेगेटिव नहीं हो सकता तो नेगेटिव से कम कैसे होगा, तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा नो सॉल्यूशन। उसके बाद सिक्स नंबर पे फिर वही के नेगेटिव के लिए अगर मॉड एफ एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन के तो क्या हो जाएगा, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स। ये हमने पिछली क्लासेस में बात की थी। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। और सबसे पहला क्वेश्चन हमें गिवन है मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर कौन सा केस सब में से लगने वाला है, मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू फाइव है तो के जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो
तो पहला केस हो जाएगा हमारे पास, तो एफ एक्स की वैल्यू मॉड एफ एक्स अगर के है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस के। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट का यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस फाइव आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है ये, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो बाकी अभी हम क्वेश्चन में आ रहे हैं धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिख लेते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री की वैल्यू जो है वो 12 की इक्वल, या बल्कि इसको लिख लेते हैं 13 की इक्वल, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री की वैल्यू 13 की इक्वल है तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर इसमें। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 13। तो यहाँ से दो केसेस बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री की वैल्यू 13 और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री की वैल्यू माइनस 13। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो जाएगी, और दूसरा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 माइनस 13, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव क्वान्टिटी में 10 आ गई। क्या ये पॉसिबल है, तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल, एक्स स्क्वायर तो निगेटिव हो ही नहीं सकता। स्क्वायरिंग करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, कि स्क्वायरिंग हम कब करते हैं, जब अंडर रूट का केस हो। यहाँ पर कहीं अंडर रूट का कोई केस है? नहीं, ज़रूरत ही नहीं, मॉडुलस हटाने की हमें क्या जरूरत, जब हमें पता है कि ये एफ एक्स है और मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू अगर हमारे पास के है तो एफ एक्स की वैल्यू प्लस माइनस के हो जाएगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है फंसेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने लॉस ऑफ रूट्स और गेन ऑफ रूट्स, एक्स्ट्रा रूट के बारे में बात की थी। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पर पावर फोर में इक्वेशन बनने लगेगी, फिर आपको सारी वैल्यूज रख रख के चेक करके देखनी पड़ेगी। तो अंडर रूट जब भी कभी गिवन हो तो हम स्क्वायरिंग करें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है हमको स्क्वायरिंग करने, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ करेंगे, लेकिन वहाँ पर हम सिर्फ इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी एक्स की वैल्यूज आई हैं वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है हमारा कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू गिवन है एक्स माइनस टू, और इसको सॉल्व करना, बताओ भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। मतलब मॉडुलस का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू की वैल्यू सिंपल में भी एक्स माइनस टू ही आई है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मॉड एक्स की, कि मॉड एक्स प्लस एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, और माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन जीरो। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू होगा प्लस का एक्स माइनस टू, जब एक्स को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एक्स माइनस टू से, तो x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, और माइनस होगा x माइनस टू जब x माइनस टू लेस देन जीरो। कोई भी रियल वैल्यू ले लो, अच्छा है? नहीं नहीं तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, जरा x की वैल्यू 1 रखो, 1 माइनस टू तो आएगा माइनस 1 का मॉडुलस 1 आ गया LHS में, और RHS में 1 माइनस टू माइनस 1 आ गया, इक्वल है 1 इक्वल टू माइनस। अरे ये यहाँ पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है तुम्हारा, देखो मॉडुलस ऑफ x माइनस टू
एक्स माइनस टू की इक्वल कब होगा, जब एक्स माइनस टू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी को सॉल्व कर लो कि अगर एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन टू, यानी अगर एक्स की वैल्यू टू से बड़ी हुई। और क्या हम यहाँ पर इक्वालिटी भी लगा सकते हैं, अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पर इक्वल भी हो जाए, कि अगर हम कहते हैं यहाँ पर अगर इक्वल टू भी जीरो हो तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हम क्या यहाँ पर इक्वल टू भी लगा सकते हैं, तो बिल्कुल यस। तो क्लोज इंटरवल में भी हम ले सकते हैं यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन टू, मीन्स एक्स की वैल्यू टू से, या टू हो जाए या टू से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे तो ही मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू की इक्वल होगा, बाकी सारे केसेस में कहाँ इक्वल होने वाला है, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का जो मॉडुलस है वो टू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की इक्वल है। क्या करना चाहिए हमको, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस कॉमन लेने से वही वैल्यू बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, यानी मॉड का एक्स स्क्वायर, मॉड का जो एक्स है वो माइनस एक्स की इक्वल है, तो मॉड का एक्स माइनस एक्स की इक्वल कब होता है, प्लस एक्स की इक्वल होता है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, और माइनस एक्स की इक्वल कब होता है, जब एक्स लेस देन जीरो। इक्वालिटी भी चाहो तो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी इक्वालिटी दोनों में कहीं पर भी लग सकती है, ऐसा नहीं कि कोई बोले कि ऊपर ही क्यों लगाया, नीचे क्यों नहीं लगाया, तो नीचे भी लगा सकते हो, क्योंकि नीचे भी लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक्स जीरो पे तो दोनों ही जीरो दे देगा, मॉड एक्स मॉड जीरो जीरो होगा, चाहे प्लस जीरो या माइनस जीरो। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि भाई ये एक्स का काम कर रहा है, तो मॉड एक्स जो है वो माइनस एक्स की इक्वल है, अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको एफ एक्स मान ले या एक्स मान ले, तो मॉड एफ एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स की इक्वल है, तो मॉड जो है वो माइनस की इक्वल कब होता है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, निगेटिव हो, लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। है कोई प्रॉब्लम इसमें भी, अब इसके फैक्टर कर लेंगे, टू वन जो टू, टू माइनस वन वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू लेस देन और इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस टू प्लस वन कॉमन लिया, एक्स माइनस टू लेस देन और इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, पहला प्लस वन फिर माइनस प्लस टू और फिर माइनस वन, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस, निगेटिव चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा, माइनस वन से लेकर टू तक क्लोज इंटरवल में, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से लेकर टू तक क्लोज इंटरवल में। और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा अगर इस एक्स की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ रख के आप देख भी लो, चेक भी कर लो, तो भी क्या कोई प्रॉब्लम होने वाली है क्या इक्वालिटी लगाने से, तो इक्वालिटी भी आएगी, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। है कोई प्रॉब्लम, बोलते जाए, जहां पर भी कुछ भी दिमाग में आता है, अगर नहीं समझ में आता है तो जरूर बोलना। चलिए ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत छोटे छोटे से केसेस हैं, अभी तो काफी बड़े बड़े केसेस हमको लेने पड़ेंगे, ये सब बिल्कुल बेसिक चल रहा है, इसमें बहुत छोटे छोटे से बातें हो रही हैं कि हाँ भाई ये अगर इस तरीके का केस हो तो क्या करेंगे। अच्छा अगर क्वेश्चन इस तरीके का दिया हो, सॉल्व करना है, ये तो बहुत ही बेसिक हो जाएगा, लेकिन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मॉड एक्स प्लस सिक्स, इसको सॉल्व करना है। बताओ भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसको थोड़ा सा चेंज और कर देते हैं। अच्छा कि यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, चलो आप बताओ, मॉड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस सिक्स,
और किसी का कोई आंसर? रीचेक करो एक बार और। हाँ प्लस, ओके चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, फैक्टराइज कर दें इसको कि पहले केसेस ले लें। देखो इसको करने के दो मेथड है, एक तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो ये बन जाएगा, फैक्टराइज कर देते हैं, मॉड एक्स सिक्स के थ्री और टू बन जाएंगे, तो थ्री एक्स प्लस टू मॉड एक्स माइनस सिक्स, सही है। तो मॉड एक्स कॉमन ले लिया तो मॉड एक्स माइनस थ्री, और फिर टू कॉमन ले लिया तो मॉड एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो मॉड एक्स माइनस थ्री और मॉड एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो या तो मॉड एक्स की वैल्यू थ्री हो गई और या मॉड एक्स की वैल्यू माइनस टू हो गई। तो एक्स की वैल्यू तो प्लस माइनस थ्री बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ से मॉड एक्स निगेटिव कब पॉसिबल होने लगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चाहो तो आप एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टू में कोई भी ऊपर रख के देख लो, जो आंसर आप का है वो देखें आप इसमें, यहाँ पर पुट करके टू रखोगे तो टू का स्क्वायर फोर माइनस टू माइनस सिक्स कहाँ जीरो के इक्वल होने लगा। प्रॉब्लम मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसका अगर हम मॉड एक्स को थोड़ी देर के लिए वाई लेट कर लें तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका जब डी निकालेंगे आप तो डी का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और ये वैल्यू जो है वो सिक्स फोर जाए ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी थ्री आ रही, तो इसके सोल्यूशन मिलेंगे क्या, डी नेगेटिव आ गया। कोई भी क्वाड्रेटिक जिसका डी नेगेटिव हो तो रियल सोल्यूशन मिलेंगे क्या, इसकी रियल वैल्यूज मिलने वाली है, क्लियर। चलिए अब जरा अभी तो हम इक्वालिटी की बात कर रहे थे, अब जरा इन इक्वालिटी। हाँ बोलिए। ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। ओके चलिए चेक कर लेते हैं इसको, एक दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर केसेस बना लिए, मैंने मॉड एक्स को नहीं रखा और केस बना लिए हमने यहाँ पर, तो क्या बनेगा देखते हैं। केस फर्स्ट यहाँ पर सेकंड मेथड करके यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया इसका सेकंड मेथड। एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, केस फर्स्ट ले लेते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में मॉड दिखाई देगा तो हम लिख लेंगे कि इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस एक्स। तो क्वेश्चन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो इसके फैक्टर तो इजीली हो जाएंगे, थ्री एक्स
प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो x कॉमन लिया तो x माइनस थ्री, और टू कॉमन ले लिया तो x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू थ्री और माइनस टू आ गई, ये आ गई वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू क्या हमें ले लेनी चाहिए क्या? क्या थ्री और माइनस टू दोनों ही ले लेनी चाहिए, जबकि हमने यहाँ ऊपर लिखा है कि x क्या होना चाहिए? ये देखो यहाँ पर हमने केस फर्स्ट लिया है, तो हमने क्या लिखा है कंडीशन कि x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो ग्रेटर देन जीरो सिर्फ कौन है? थ्री। तो क्या हम माइनस टू को ले सकते हैं क्या? तो थ्री हमारा हो गया करेक्ट, और माइनस टू को लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम जब केस बना के चल रहे हैं तो हमने ऊपर ध्यान नहीं दिया है ना, तभी तो हम दोनों ले रहे हैं। अगर हम ध्यान देंगे तो हमने लिखा है एक्स ग्रेटर देन जीरो, अगर x ग्रेटर देन जीरो है मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करनी है। उसके बाद x लेस देन जीरो लेंगे तो मॉड x की वैल्यू माइनस x हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल। तो अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस x की जगह प्लस x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो निगेटिव वैल्यू ही कंसीडर करनी है। तो थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन लिया हमने तो एक्स प्लस थ्री, माइनस टू कॉमन लिया तो एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू एक आ जाएगी टू, और एक एक्स की वैल्यू माइनस थ्री आ जाएगी। केस हम कौन सा लेके चल रहे हैं, निगेटिव वाला लेना है, तो निगेटिव में कौन सा हमको लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। क्या हम इसको ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते इसको, तो ये तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि ये तो पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, एक x इक्वल टू थ्री हो गया और एक x इक्वल टू माइनस थ्री हो गया, यही हमारा आंसर आया था। क्लियर? लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हम इस तरीके से जब भी कभी इस टाइप का केस हो तो हम ऐसे करें, ठीक है? उसमें डाउट जो था वो क्लियर हो जाएगा अगर हम ऐसे करेंगे तो भी। चलो इस टाइप का भी फंसता है तो अब हमें समझ में आ गया कि जो केसेस कई बार ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि जो केस हम लेके चल रहे हैं हो सकता है उसमें जो भी आंसर आए वो इस केस को सेटिस्फाई नहीं करे, तो सबको हमें छोड़ना पड़ेगा। अभी आगे ऐसे भी केस फंसेंगे, तो इसलिए ये भी एक दूसरा मेथड भी हमें पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि इसको हम छोड़ दें, इसका भी आइडिया हमें होना चाहिए। अभी आगे हमें इस तरह का कुछ काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3 लेस देन 5, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 3 लेस देन 5, और किसी का कोई आंसर चेक कर लेना है फिर से एक बार, केस हमारे पास है ये। जी तो ओके, तो अगर हम माइनस का फाइव ले लेते हैं, तो माइनस का फाइव तो माइनस टेन और प्लस थ्री तो सेवन लेस देन फाइव, सही है? अरे भाई ये जुगाड़ लगाने वाला काम थोड़ा ना कर रहे हैं, हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आप उनकी तरफ क्यों नहीं मूव कर रहे हैं? ये प्रॉपर्टीज अभी हमने इसीलिए तो कलेक्शन यहाँ पे कर दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है कि अगर मॉड एफ एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू के हो, ये है ना, मॉड एफ एक्स की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू के हो तो फिर हमें क्या लेना चाहिए? एफ एक्स की वैल्यू माइनस के से प्लस के मिड में, अभी इन्हीं को लगाने का टाइम आ गया है, तो आप इनको जरूर ध्यान रखें, ये सब आपके दिमाग में होने चाहिए। के पॉजिटिव है, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव है, और मॉड एफ एक्स लेस देन, और इसका प्रूफ भी हम कर चुके हैं पिछली क्लास में कि क्यों ऐसा होता है, तो अब हमें इनका डायरेक्ट यूज़ करना है, अब हम इनको बार बार प्रूफ थोड़ी ना करते रहे। तो उससे एग्जैक्ट आंसर आएगा, और ऐसे क्या होगा, हवा में आंसर आते रहेंगे गलत सही कुछ भी। तो ये हो गया मॉड एफ एक्स और ये हो गया लेस देन के,
तो एफ एक्स की वैल्यू माइनस के से प्लस के मिड में होनी चाहिए। तो माइनस फाइव से टू एक्स प्लस थ्री की वैल्यू प्लस फाइव की इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से टू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो माइनस फाइव और माइनस थ्री माइनस एट, और ये फाइव माइनस थ्री टू हो जाएगी, टू से डिवाइड कर देते हैं तो माइनस फोर से वन के मिड में होना चाहिए, यानी आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस फोर टू वन ओपन इंटरवल में, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है तो माइनस फोर से वन इसका आंसर हो गया। माइनस फोर से वन के बीच का कोई नंबर रखो सेटिस्फाई करेगा, इसके अलावा कहीं भी आप जाएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 5 ग्रेटर देन 4। ये भी केस हम कर चुके हैं, मॉड एफ एक्स ग्रेटर देन के हो तो एफ एक्स की वैल्यू या तो के से बड़ी होगी, और का मतलब ये भी और ये भी, दोनों ही आंसर होंगे, या फिर एफ एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस के होगी। ये आपके पास ऊपर मैंने इसीलिए लिख दिया सारा कुछ कि बार बार ना बताना पड़े मुझे। बिल्कुल सही है, चेक कर लेते हैं। ये एफ एक्स है और ये के है हमारे पास, तो एफ एक्स ग्रेटर देन के, तो 3x माइनस 5 ग्रेटर देन 4, और का मतलब ये भी साथ में आंसर का ही पार्ट है, तो 3x माइनस 5 की वैल्यू लेस देन और लेस देन इक्वल टू तो है ही नहीं, माइनस 4 कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x 5 और 4 9, तो x की वैल्यू या तो 3 से बड़ी होनी चाहिए, और करके ये 3x 5 माइनस 4 1, या तो 1 बाई 3 से छोटी होनी चाहिए, तो ये दोनों ही आंसर है हमारे। अगर आप x की वैल्यू 3 से बड़ी रखेंगे, कोई भी 3 टू इन्फिनिटी कोई भी आंसर हो सकता है, 3 से इन्फिनिटी तक कोई भी बड़ा नंबर रख देंगे, 3 या 3 से, 3 से बड़ा, 3 नहीं लिख सकते, 3 से बड़ा नंबर कोई भी रख दीजिए आप, 3.1 3.2 रियल नंबर में, और यह माइनस इन्फिनिटी से लेके 1/3 तक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। x belongs to minus infinity to 1/3 union 3 to plus infinity, ऐसे हम इसका आंसर दे देंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बेसिक आइडिया ले रहे हैं हम सभी का। 2x plus 5 1 upon modulus of 2x plus 5 greater than 1/3। x की वैल्यूज बतानी है क्या होगी, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 1/3, तो x की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उन सब का हमारे दिमाग पे होना चाहिए, उसके बाद इसको सॉल्व करना है हमको। तो देखिए इनइक्वालिटी में अगर प्रॉब्लम हो रही तो मैं इसके बारे में बात करूं। हाँ जी बताइए। और जो भी आंसर आपका आए प्लीज उसको रख के चेक करके जरूर देख लें कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। कई बार ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हैं कि आंसर नहीं सेटिस्फाई कर रहा हूँ, फिर डाउट हो जाएगा, तो पहले चेक कर ले फिर आंसर बताएं।
-4 से लेकर -2। एक्सप्लेन करें आप। अब देखो यहाँ पर जो मैंने पहले बहुत सारी चीजें बताई थी वो किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं चाहता था कि देखूं, चेक करना चाहता था कि कितने लोग हैं साथ में, और वो सारी चीज़ें जो पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं वो सब ध्यान है कि नहीं ध्यान है, तो वो नहीं ध्यान दिया। पहली बात तो ये रैशनल फंक्शन है, पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि ये एक रैशनल फंक्शन है, तो हमें तुरंत देखते ही लिख देना चाहिए था कि भाई 2x+5 की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब x की वैल्यू -5/2 नहीं हो सकती। तो अगर आंसर हमारा -4 से -2 के मिड में आ रहा है तो क्या -2.5 आएगा उसके बीच में कि नहीं आएगा? तो फिर हमें उसको निगलेक्ट करना चाहिए था, वो हमने गलती बहुत बड़ी कर दी। और यही मैं बता रहा हूँ बार बार, यही प्रॉब्लम है कि जेई वाले हमारे साथ ऐसे ही खेलते हैं। और ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ये हम बिल्कुल इसका ध्यान रख सकते हैं। हम बचपन से याद करते आ रहे हैं कि पी अपॉन क्यू रैशनल फंक्शन होता है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, शुरू से याद करते आ रहे हैं। किसी से भी पूछो तो वो यही बताएगा, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी। अब चलो आंसर में इनके पास पहुंचते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो इनइक्वालिटी में हमने सीखा है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, सीखा है हमने। लेकिन क्या ये पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं है क्या? मॉडुलस ऑफ 2x+5 ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। हम इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव। अगर मॉड नहीं होता तो फिर हम नहीं कर सकते थे, लेकिन मॉडुलस है तो क्या हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? तो आंसर होगा बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई तब नहीं करते हैं जब हमें कोई डाउट हो कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, लेकिन हमें आइडिया है यहाँ पर कि ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो हम मॉडुलस में ये अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x+5 जो है वो क्या हो गया? <3 हो गया। 2x+5 <3 हो गया, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? मॉडुलस ऑफ fx <k>। तो fx की वैल्यू क्या पड़ी हमने? -k से +k के मिड में होनी चाहिए, तो 2x+5 जो है वो -3 से +3 के मिड में होना चाहिए। तो 2x की वैल्यू -8 से 3-5 -2 हो जाएगी, तो x की वैल्यू -4 से लेकर -1 के मिड में होना चाहिए। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, -4 से -1 के मिड में ये आ गई वैल्यू। अब लेकिन इस आंसर को देने के पहले हमें दो मिनट तो नहीं बोलेंगे, देखना पड़ेगा ना, रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि इसकी वैल्यू जो कहीं ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं है जो डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। और डिनोमिनेटर में अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अपॉन में जीरो आ गया, तो फिर प्रॉब्लम। तो 2x+5 जो है वो x की वैल्यू -5/2 कभी हो ही नहीं सकती है। तो x की वैल्यू अगर -5/2 नहीं हो सकती है तो फिर हम कैसे रख सकते हैं? हम आंसर ये देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये पहला ऑप्शन यही दिया होगा, वहाँ पर जो क्वेश्चन दिए होंगे उनमें पहला ऑप्शन यही दिया होगा और हम उसको कह देंगे कि सही हो गया, तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा कि x की वैल्यू जो है, x की जो वैल्यू है वो -4 से तो -1 के बीच में होगी, लेकिन -5/2 नहीं हो सकती। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है, इसको हम बोलेंगे कि भाई ये आंसर हमारा सही है। कोई प्रॉब्लम इसमें अभी भी कोई डाउट? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, इसका आप ज़रूर खास ध्यान रखें कि इस टाइप का केस हो। तो जब भी अपॉन का केस हो, मैं तो कहता हूँ किसी भी चैप्टर में आए, कभी भी आए, आप ज़रूर अपनी आदत ही बना लेना कि डिनोमिनेटर को देखते ही साइड में लिख दें। जैसे आपने देखा होगा बुक्स में लिखा रहता है, जब भी कोई फ्रैक्शनल का केस होता है, अपॉन में कोई क्वेश्चन होता है, फंक्शन कोई होता है अपॉन में, तो वो साइड में लिख देते हैं। वो क्यों लिख देते हैं? वो हम कभी देखते ही नहीं उसकी तरफ, उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि टेंथ तक हमको ये सब चीज़ें नहीं, इतना मायने नहीं रखती हमारे लिए। लेकिन 11th 12th में ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम बोलिए भाई। चलिए, तो फिर अभी आप ध्यान रखें, जब भी आंसर दें जरूर चेक कर लें। तो लिखें क्वेश्चन नेक्स्ट है, मॉडुलस ऑफ 2x+3
और इसका भी मॉडुलस है प्लस वन, फिर इसका मॉडुलस इक्वल टू फोर है, डबल मॉडुलस का केस हो गया। सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यूज बतानी है क्या होगी। क्या हुआ इसमें, इतना प्रॉब्लम क्यों हो रही, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। मॉड के दो बार केसेस हैं, हमने पढ़ा है कि मॉड एफ एक्स अगर इक्वल टू के होता है तो एफ एक्स की वैल्यू प्लस माइनस के हो जाती है, बस वही तो करना है। ये पूरा एफ एक्स है तो मॉड एफ एक्स इक्वल टू के हुआ, ये के है। ओके, सिर्फ एक ही आंसर है। अगर वन रखते हैं यहाँ पर तो देखो, वन रखने के बाद थ्री प्लस टू, ये पूरा का पूरा पार्ट फाइव हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट फाइव हो जाएगा, और इधर वाला पार्ट जो है वो प्लस वन भी है तो सिक्स हो जाएगा, सिक्स इक्वल टू। क्या क्या है, प्लस थ्री भी होगा, थ्री टू जा सिक्स और थ्री नाइन और प्लस वन टेन इक्वल टू फोर। हाँ अब सही है, तो जीरो और माइनस थ्री इसके आंसर बिल्कुल सही है। पहले हम करेंगे तो मॉडुलस ऑफ टू एक्स प्लस थ्री प्लस वन इक्वल टू प्लस माइनस फोर, यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाएंगे। टू एक्स प्लस थ्री प्लस वन की वैल्यू प्लस फोर की इक्वल होगी, और टू एक्स प्लस थ्री मॉडुलस के अंदर प्लस वन की वैल्यू माइनस फोर की इक्वल होगी, तो मॉडुलस ऑफ टू एक्स प्लस थ्री ये हो जाएगा थ्री की इक्वल, तो टू एक्स प्लस थ्री की वैल्यू प्लस माइनस थ्री हो जाएगी। तो जब हम प्लस और माइनस दोनों ही ले लेंगे यहाँ पर, तो पॉजिटिव लेंगे तो टू एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो एक्स इक्वल टू जीरो, और एक बार टू एक्स की वैल्यू जब माइनस थ्री लेंगे तो माइनस थ्री और माइनस थ्री ये माइनस सिक्स हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू माइनस थ्री हो गया, यहाँ से दो पार्ट में बन गया ये। और यहाँ पर मॉडुलस ऑफ टू एक्स प्लस थ्री की वैल्यू जो है माइनस फाइव, ये मॉडुलस फंक्शन है, ये मॉड एफ एक्स है, या इसको चलो अब जी एक्स बोल देते हैं, और ये इक्वल टू के दिया हुआ है के, और के जो है वो निगेटिव है। और ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे लगता है, क्यों लिखेंगे हम ये सारी चीज़ें, हम सीधे बोल देंगे ना कि भाई मॉडुलस फंक्शन है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो क्या कभी निगेटिव हो सकता है क्या, क्यों हम लिखें ये सारी चीज़ें। हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा, तो माइनस फाइव के इक्वल कभी होगा ही नहीं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे नॉट पॉसिबल, सीधे सीधे बस बात खत्म। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो और माइनस थ्री। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, वन माइनस एक्स जो है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन है, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी।
तो x की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर 2, तो 1 माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1, और इधर भी चेक करें 2 रख के, 4 माइनस 4 प्लस 1 अंडर रूट 1 यानी 1, तो माइनस 1 इक्वल टू 1 पॉसिबल है। की वैल्यू तो 1 भी हो सकती है, तो इस तरीके से हम कितना सारा ढूंढेंगे, हमें कलेक्शन बताना है ना कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकती है, हम एक एक वैल्यू अगर सेटिस्फाई करते घूमे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमें पूरा कलेक्शन चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मैथमेटिकली चाहिए, नहीं तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ढूंढ रहे हैं। देखो क्या स्क्वायरिंग करने से कोई फायदा होगा क्या, वो तो दिमाग से हटा दिया हमने। उसके बाद हमने क्या देखा कि हम बार बार ये बात करते हैं और आपको भी ये ध्यान रखना है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब होता है मॉड एक्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर वही करने वाले हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स, तो 1 माइनस एक्स को लिखेंगे अंडर रूट ऑफ जी 1, माइनस 1 से 1 तक के बीच में कोई भी वैल्यू, ओके, तो माइनस 1 और 1 ले लिया है, तो फिर हम एक काम करते हैं x की वैल्यू माइनस 4 ले लेते हैं, माइनस 4 रखा तो 1 प्लस 4 कितना हो गया यहाँ पर 5, और यहाँ पर माइनस 4 रखा है तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और ये प्लस कितना हो गया 4 2 जा 8 और 1 9, 16 और 9 25, तो प्लस 5 इक्वल टू प्लस 5 पॉसिबल है। तो निगेटिव तो कोई भी ले लो, 1 से छोटा कोई भी नंबर आप ले लो, चलो चेक करते हैं कैसे आता है आंसर, क्योंकि ऐसे तो बड़ा कंफ्यूजन रहेगा, हम हमेशा डाउटफुल केस बन के रहेंगे कि भाई क्या करना चाहिए यहाँ पर, तो ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसको हमने x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, लिख सकते हैं। अब जैसे तुम्हारी बात थी कि a माइनस b का होल स्क्वायर लिखे कि b माइनस a का होल स्क्वायर, तो हम इसको x माइनस 1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस x का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों में कोई भी कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हमने इसको लिख दिया मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, 1 माइनस x, ये जो x माइनस 1 का जो मॉडुलस है वो माइनस ऑफ एक्स माइनस वन की इक्वल आ गया, तो मॉड एक्स जो है वो माइनस एक्स की इक्वल कब होता है, मॉड एक्स के दो केस पढ़े हमने कि मॉड एक्स प्लस एक्स होता है जब एक्स पॉजिटिव हो, मॉड एक्स माइनस एक्स होता है जब एक्स नेगेटिव हो, मॉड एक्स माइनस एक्स है तो इसका मतलब एक्स माइनस वन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव, ये लिखा है मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और इक्वालिटी यहाँ भी आ सकती है, इक्वालिटी यहाँ भी आ सकती है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये अगर 1 भी रख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे हमें चेक कर लेना चाहिए, तो x की वैल्यू 1 से कम कोई भी रख लो कोई प्रॉब्लम आएगी, तो यानी x की वैल्यू आंसर क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक कोई भी आंसर आप यहाँ पर रख सकते हैं, सब सेटिस्फाई करें। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई यहाँ पर आपने x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्यों रखा, क्या आप 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं रख सकते, तो हम इसको बिल्कुल रख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स को हमने लिख दिया अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये भी हो सकता है, तो ये मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स हो गया, तो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स जो है वो 1 माइनस एक्स की इक्वल हो गया। कब ऐसा होता है, जब वही मॉडुलस फंक्शन और वही सेम वैल्यू आ जाए मॉड एक्स इक्वल टू एक्स, यानी x क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 माइनस x क्या होना चाहिए पॉजिटिव,
यानी कि वन ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, तो ये आ गया ना एक्स लेस देन और इक्वल टू वन। कोई फर्क पड़ा क्या? यहाँ पर भी एक्स लेस देन और इक्वल टू वन आया था, यहाँ पर भी एक्स लेस देन और इक्वल टू वन ही आया है। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी भी तो ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो वो हमें नहीं करनी, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमें आइडिया हो जाएगा, हम चीज़ों को समझने लगेंगे, पकड़ने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब चलो जरा अच्छा उल्टा केस ले लेते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है कि -3 से एक्स की वैल्यू जो है वो वन की इक्वल है, फाइंड मॉड एक्स, मॉड एक्स फाइंड आउट करना। एक्स की वैल्यू -3 से 1 के मिड में है, तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी? बोलो भाई जल्दी बताना है आंसर। बहुत छोटी सी बात तो पूछी जा रही है कि एक्स की वैल्यू जो है वो -3 से 1 के मिड में है। बताइए क्या आंसर है? 0 to 3 माइनस तो मॉड में हो ही नहीं सकता। मॉड का जब भी हमें आंसर देना है तो नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने कहा है कि भाई बताइए मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी। हाँ बिल्कुल सही है भाई। देखो 0 से स्टार्ट तो होता ही है मॉड एक्स, तो मॉड एक्स 0 से स्टार्ट होगा। और अगर -3 भी वैल्यू इक्वालिटी दी हुई है तो इसका मतलब 3 भी हो सकती है। -3 -2 -1 0 1 यहाँ तक तो आएगी सारी वैल्यूज। अब उनका मॉडुलस लेंगे तो 0 से ही स्टार्ट होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मॉड एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से 3 के मिड में लाई करेगी। 0 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। अच्छा अगर एक्स की वैल्यू, अगर ऐसे में क्वेश्चन दे दूँ कि एक्स की वैल्यू -5 से 7 के मिड में है, then find the value of modulus of x minus 2, इसकी value बतानी है, modulus of x minus 2 की value क्या होगी? तो 0 to 7, 0 पे closed होगा कि open होगा? यहाँ पर क्या है, x माइनस टू हमको लेके आना है, तो हमने 2 माइनस कर दिया बोथ साइड, तो -5 -2 हो गया, ये 7 -2 हो गया। तो x -2 जो है वो -7 टू 7 -2 5 हो गया, तो -7 से 5 के मिड में आ गई वैल्यू। अब -7 से 5 के मिड का मॉडुलस यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो आप खुद सोच लो कि यहाँ पर 0 भी आएगा, 0 से तो स्टार्ट होता ही होता है, तो ये 0 पे क्लोज हो गया। और मैक्सिमम जो है वो क्या होगा, -7 से बड़ा है तो 7 तो होगा ही, लेकिन ओपन इंटरवल में हो जाएगा। तो -0 से लेके 7 और 0 पे क्लोज्ड और 7 पे ओपन इंटरवल। अब वो कहता 2x माइनस 4 की वैल्यू बताओ, तो पहले 2x करते, 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर -4 इधर उधर सब्सट्रैक्ट कर देते, ठीक है ना। तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि x माइनस 2 ही पूछे, हो सकता है 3/2x प्लस 4 कह दे, तो पहले 3/2x बनाओ x से और फिर 2 से 3x, 3/2x प्लस 2 बोला है तो पहले 3/2 से मल्टीप्लाई करो फिर 2 ऐड कर दो। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे ये
ये बेसिक्स है, मतलब इसमें क्या है कि हमने देखा कि एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो ये देखो, ये यहाँ पर हम एक्स की वैल्यूज अगर लिखना चाहें तो -5 से लेके कहाँ तक है, अगर हम इंटीजर वैल्यू ही सपोज करो ले लेते हैं, ठीक है ना। वैसे बाद में हम फिर रियल वैल्यूज ले लेंगे, लेकिन अगर हम इंटीजर ही ले लें तो क्या क्या आएंगी वैल्यू, -5 से -4, -3, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ओपन इंटरवल में ये सारी वैल्यूज आएंगी, बल्कि ओपन इंटरवल भी मत बोलो इसको, कर्ली ब्रैकेट बोल दो, क्योंकि ये कलेक्शन हम ले रहे हैं ना, सिर्फ इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। ये हमने हाँ, और 7 भी नहीं, लेकिन 7 से कम है तो हम इसको चलो 6.9999 ऐसे कर सकते हैं कि बहुत बड़ा नंबर होगा, लेकिन 7 के बिल्कुल पास में होगा। अब जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये -2, -1 और 0, ये भी छूट गया था ये, तो ये जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है इन सबको मॉड क्या कर देगा, जैसे ही आप मॉड लगाओगे तो ये जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है इनको क्या कर देगा, इनको सबको यहाँ पॉजिटिव कर देगा ये। और 0 से लेके अगर मैं यहाँ पर ऐसे बना दूँ कि भाई ये माइनस ऐसे कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3 से लेके 3, 4, 5, 6 और यहाँ 7 ले लेते हैं, और 7 पे ओपन इंटरवल, और ये -1, -2, -3, -4, -5 यहाँ पर, और इस पे ले लेते हैं मॉड लगाने जा रहे हैं। मॉड लगाने जाएंगे तो ये जितने भी क्वांटिटीज नेगेटिव हैं ये सब क्या हो जाएंगी मॉड लगाने के बाद, ये सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, और इधर की तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव। हाँ बोलिए। -7 to +7, अगर हम x की वैल्यू -7 से +7 ले लेते हैं, -7 to +7, तो फिर माइनस नहीं, 0 to 7 होगा, 0 to 9 क्यों होगा। अच्छा x -2 की बात करें, ओके ओके, हाँ x -2 ना, मैं सिर्फ मॉड x की बात कर रहा था। अगर x -2 है हमारे पास, अगर हमें x -2 की वैल्यू बतानी है तो बिल्कुल सही है, हम क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे, तो ये -9 हो जाएगा और इधर 5 हो जाएगा, तो -9 का तो पक्की बात है +9 होने वाला है, तो 0 से 9 बिल्कुल सही है, आएगा ही आएगा, श्योर, ठीक है। चलिए तो ये हो गई बात। एक क्वेश्चन अच्छा और देखते हैं, ये भी कभी आया हुआ है जेई में प्रीवियस ईयर्स, ये सॉल्व करना है हमको। मॉडुलस ऑफ 2 upon x -4 > 1, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगा, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए क्या वैल्यू देगा। नहीं, हमने ये पढ़ा है कि इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर होता है, इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और एक बहुत बड़े नंबर को एक बिग नंबर है उसको अगर जीरो से, अगर वन से डिवाइड, वन अपॉन कोई बड़ा बहुत बड़ा नंबर होगा तो वो लगभग 0.00000000 करके बहुत छोटा नंबर देगा कि नहीं देगा। तो वही उसको उल्टा कर लिया गया कि जीरो को इधर और इन्फिनिटी को उधर भेज दिया गया, एजम्पशन है। इन्फिनिटी को लेके कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल सकते, ठीक है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जब हम लिखते हैं ना यहाँ पर, जब लिखते हैं यहाँ पर तो लिखते हैं सॉल्व रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, एक बड़ा नंबर है वो ठीक है, लेकिन अपॉन में जीरो का टेंशन है, अपॉन में जीरो कभी नहीं आना चाहिए ना। तो अगर अपॉन में जीरो आ गया, अगर हमने 4 यहाँ पर पुट कर दिया तो 4 - 4 जीरो हो गया, और अपॉन में जीरो हो गया तो फिर तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हमने रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है कि पी अपॉन क्यू के फंक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू की वैल्यू किसी भी परिस्थिति में जीरो नहीं होनी चाहिए, बात समझ रहे। तो इन्फिनिटी को लेके इतना मत सोचे आप सिर्फ रैशनल फंक्शन और रियल नंबर की बात करें, जो हमारे सामने है, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, हम उनकी बातों पे विश्वास करेंगे तो ज्यादा बेटर है।
तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताएं भाई, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, छोटा सा ही क्वेश्चन, कोई भी रियल नंबर। ओके वन रख के चेक कर लो, वन। तुम लोगों को एक्स की सारी वैल्यूज बतानी है, तुम क्या करते हो कि एक्स की कोई एक वैल्यू बताते हो, तुम्हें एक्स का कलेक्शन बताना है। सॉल्व फॉर एक्स का मतलब है एक्स की सारी वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज सेटिस्फाई करनी वो सब ढूंढनी है, यहाँ भाई यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये सब सेटिस्फाई होने वाली है। अगर मैं कह दूँ एक्स की वैल्यू 7 रख दो, जैसे ही डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो गया न्यूमरेटर से, तो क्या 1 से बड़ी वैल्यू देगा क्या? जब तक 2 है अपॉन में तब तक तो प्रॉब्लम नहीं है, तब भी प्रॉब्लम है क्योंकि 2 भी रहेगा तो भी ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 इधर हो जाएगा, तो 1 ग्रेटर देन 1 कैसे हो सकता है, तो 2 भी नहीं हो सकता ना। तो ये सब नहीं सोचना हमको कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमने सीधे रूल पढ़े हैं, वही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मॉडुलस ऑफ 2 को तो 2 ही बोलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4 ये ग्रेटर देन 1 हो गया। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है? तो जी हाँ बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई पॉजिटिव फंक्शन में हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी में नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डाउट रहता है कि कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर तो कर ही सकता है। तो एक्स माइनस 4 लेस देन 2 हो गया, तो एक्स माइनस 4 की वैल्यू माइनस 2 से प्लस 2 के मिड में हो गई, तो एक्स की वैल्यू 4 माइनस 2 2 हो गई और 4 प्लस 2 6 हो गई, यानी एक्स की वैल्यू 2 2 6 आंसर होना चाहिए था, लेकिन हम अपनी आदत बना चुके हैं अभी कि हमने देखा है कि जैसे ही हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में 4 है तो एक्स की वैल्यू 4 की इक्वल कभी नहीं हो सकती, और देखो आंसर के बीच में 4 जरूर आएगा, इस तरह क्वेश्चन वो जरूर देना पसंद करते हैं, वो देखते हैं आईक्यू लेवल चेक करते हैं ना कि क्या है। तो हमें समझ में आ गई साफ साफ बात कि 4 तो हो ही नहीं सकता, तो 2 से 6 के मिड में 4 तो आएगा ही आएगा, तो फिर हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 226 एक्सेप्ट क्या हो जाएगा 4, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 224 यूनियन 426, ये भी आंसर सही है, दोनों का मतलब सेम है। कोई प्रॉब्लम इसमें अभी भी बताइए जल्दी। चलिए तो ये तो हो गई बात हमारी इस टाइप के क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, और अच्छा थोड़े से और देख लेते हैं, जैसे अभी हम थोड़े से छोटे छोटे में थे, थोड़े से ये भी छोटे ही हैं, खास नहीं बोलेंगे, जैसे मैं बिल्कुल बेसिक से दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन जैसे हमारे पास ये है, क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस 3 का मॉडुलस जो है वो ग्रेटर देन 0, सब में वही बार बार लिखा है सॉल्व फॉर x, तो x की वैल्यूज बतानी है क्या होंगी, तो अब जल्दी से आप बताते जाएं क्या आंसर आए। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो पहले में क्या आंसर आएगा, इसमें कुछ सोचने की जरूरत थी कि हम सीधे, कहां से कहां तक नहीं हो सकती, तो फिर तुम्हें ये बोलना चाहिए कि रियल नंबर में से 3/2 हटा दो। आपने आंसर बोला माइनस इंफिनिटी टू 3/2 यूनियन 3/2 टू इंफिनिटी, अच्छा सिर्फ 3/2 को नहीं लिया, माइनस प्लस की बात नहीं, हाँ तो सही है भाई। देखो यहाँ पर ये यहाँ पर जो साइन लगा है वो ग्रेटर देन 0 का लगा है, तो क्या इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? तो इसका मतलब 2x माइनस 3 की वैल्यू इक्वल टू 0 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, हाँ बिल्कुल सही है आपकी बात, तो x की वैल्यू 3/2 बिल्कुल नहीं हो सकती है, तो 3/2 को छोड़ के मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो
जीरो नहीं हो सकता, बस ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही होगा। कोई नेगेटिव क्वांटिटी भी रखोगे तो भी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही देगा। तो सारी रियल वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट 3/2 नहीं। तो माइनस इन्फिनिटी टू 3/2 यूनियन 3/2 टू इन्फिनिटी बिल्कुल सही है। जी हाँ, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो एक्स की वैल्यू -2 कभी नहीं हो सकती, और न्यूमरेटर भी अभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऊपर जीरो आ गया तो इक्वल टू जीरो का केस बनने लगेगा, इक्वल टू जीरो तो यहाँ है ही नहीं, तो एक्स की वैल्यू +-3 नहीं हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3, -2 और 3। ये आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ओके, क्लियर। एक्स स्क्वायर +16 डिवाइडेड बाई x-2 लेस देन और इक्वल टू 0। जी बताए फर्स्ट में 2, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख दो। 4-9, 4-9 -5 और 2+2 4, तो 5/4 ग्रेटर देन 0 सही है। क्लियर। कोई भी वैल्यू नहीं, मतलब आंसर एक्स बिलोंग्स टू 5। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि एक्स की वैल्यू 2 तो हो नहीं सकती है। क्या 2 रख सकते हैं क्या यहाँ पे? अब दूसरी चीज यहाँ पर, यहाँ इन्होंने बोला है लेस देन और इक्वल टू 0, तो लेस देन 0 का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन कभी निगेटिव तो होता ही नहीं है, तो सिर्फ इक्वल टू 0 ही होगा। और अगर इक्वल टू 0 है तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इक्वल टू 0 कब हो सकता है या कब नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। मॉडुलस ऑफ x²-8 > 2। मॉडुलस ऑफ x²-8 > 2। क्या करना चाहिए? ये इसमें कंडीशन कौन सी लग रही है? मॉड एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू के। अगर ये कंडीशन होती थी देन हम बोलते थे कि एफ एक्स की वैल्यू या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू के होगी, और का मतलब ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, लेस देन और इक्वल टू -k। अब ये क्वेश्चन है कि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्टुअल होगा, और एक दूसरा एक और करेंगे, किसी में इंटरसेक्शन लेंगे किसी में यूनियन लेंगे, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कब क्या लेना है। इसलिए ये दोनों ही क्वेश्चन, एक ये और इसके आगे वाला जो है, वो दोनों का खास ध्यान हमको रखना है। जैसे देखिए, इसमें तो अब क्लियर हो गया होगा क्या करेंगे। ऑल रियल वैल्यूज पॉसिबल, मेथड आप फॉलो करें। मॉड एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू के है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू के करें और लेस देन और इक्वल टू -k करें। आप मेथड को फॉलो करें।
एक्स सॉल्व फॉर एक्स, क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स ना कि एक्स स्क्वायर। चलिए मैं बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, पहले यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एट ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। दूसरी प्रॉपर्टी जब आप लगाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एट लेस देन और इक्वल टू माइनस टू। तो एक्स स्क्वायर माइनस टेन, यहाँ पर टू को इधर ले आएंगे तो टेन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और ये एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा एट और प्लस टू तो माइनस सिक्स लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें तो यहाँ पर भाई x की वैल्यूज बतानी है ना, तो इसके फैक्टर कर देते हैं x प्लस रूट टेन और x माइनस रूट टेन। ये क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और ये हो जाएगा x प्लस रूट सिक्स और x माइनस रूट सिक्स की x की वो वैल्यू जिसमें हमेशा निगेटिव दे। तो नंबर लाइन हमने पढ़ी हुई है अच्छे से, ये रूट टेन हो गया, ये माइनस रूट टेन हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस ले लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट टेन, यूनियन रूट टेन से लेकर कहाँ तक आएगा आंसर, प्लस इन्फिनिटी। और इसकी बात अगर आप करेंगे तो माइनस रूट सिक्स से प्लस रूट सिक्स के मिड में आएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू चाहिए, ये प्लस इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस और यहाँ माइनस इन्फिनिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू, और ये सब क्लोज में आने वाले हैं। ओके, तो माइनस रूट सिक्स से प्लस रूट सिक्स, क्योंकि इंटरवल यहाँ पर क्लोज ही लगने वाला है, या हमने क्लोज इंटरवल ये ओपन वाला हटा के क्लोज कर दिया इसको। तो ये आंसर हो गया हमारा ये और ये। तो अभी तो हमें आंसर फाइनल आंसर देना है अपना, तो ये भी हो सकता है और ये भी, यानी दोनों ही आंसर है। तो यहाँ पर जब आप लेंगे तो सब पूरा आंसर देंगे कि एक्स की वैल्यू ये भी हो सकती है और यहाँ बीच में आता है और, तो यानी ये भी हो सकती है। तो और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या होता है यूनियन। तो हमें इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, यूनियन। तो आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू, क्या क्या आंसर हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखें तो। वैसे इसमें जो है कॉमन सोल्यूशन नहीं देख के हमें सारा का सारा लेना है, तो हमें क्या क्या हो जाएगा आंसर, पूरी पूरी वैल्यूज, क्योंकि कुछ कॉमन तो है नहीं दोनों में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट टेन, और क्लोज्ड इंटरवल में है तो ये ब्रैकेट क्लोज्ड वाला हो जाएगा, और यूनियन माइनस रूट सिक्स से प्लस रूट सिक्स, यूनियन रूट टेन से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, इन सब के बीच का ही आंसर जो होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई नहीं करने वाला है। आप कोई भी वैल्यू इनसे हटा के ले लीजिए, कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, चाहो तो चेक कर लो। क्लियर हो रही बात, कोई प्रॉब्लम इसमें अभी भी? ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं और उसमें भी देखते हैं कैसे इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्वेश्चन है हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन लेस देन और इक्वल टू टू। चलिए आप इसको सॉल्व करें पहले, वहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू टू था तो रूल हमने दूसरा लगाया था, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू टू है तो रूल यहाँ पर दूसरा लगने वाला है। वो सारे रूल का कलेक्शन आपके पास है पहले, तो आप चेक कर लें और फिर सॉल्व करें।
माइनस रूट इलेवन टू प्लस रूट इलेवन, इनके बीच का कोई नंबर जैसे मान लिया है, चलो ठीक है, सब जीरो आ गया क्या उनके बीच? तो जीरो सेटिस्फाई करेगा, तो फिर कैसे आंसर आ जाए? जो भी हम अपना आंसर निकाले उसको सेटिस्फाई जरूर कर लें, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम। देखो मैं बताता हूँ, बिल्कुल पहुँच गए थे आप, बस उसमें क्या दोनों में क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है मुझे यही बताना था कि इसमें तो हमने क्या किया, दोनों का कलेक्शन ले लिया क्योंकि ये भी आंसर था और ये भी था। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन लेस देन और इक्वल टू टू है, तो ये मॉड एफ एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू के हो गया, तो एफ एक्स की वैल्यू माइनस के से प्लस के मिड में हो गई। तो यहाँ पर माइनस टू से एक्स स्क्वायर माइनस नाइन की वैल्यू प्लस टू की इक्वल होगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू नाइन माइनस टू से नाइन प्लस टू के बीच में हो गई, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू नाइन माइनस टू सेवन से प्लस इलेवन के बीच में हो गई। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक सब बढ़िया है। फिर यहाँ पर दो केसेस बन गए, क्या केसेस बने यहाँ पर? पहले मैं ले लूँगा सेवन लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सेवन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और इन दोनों को मैं यहाँ अलग ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू इलेवन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन लेस देन और इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज कर देते हैं, एक्स प्लस रूट सेवन और एक्स माइनस रूट सेवन, ये क्या हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और ये बन गया एक्स प्लस रूट इलेवन और एक्स माइनस रूट इलेवन, ये हो गया लेस देन और इक्वल टू जीरो। यहाँ तक भी ठीक है बात। अब क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमने रूट सेवन ले लिया प्लस और माइनस का, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, तो एक्स की वैल्यू आ गई पॉजिटिव लेना चाहता माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट सेवन, क्लोज्ड में यूनियन रूट सेवन से प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर जो है वो निगेटिव क्वान्टिटी लेनी है, तो रूट इलेवन और माइनस रूट इलेवन प्लस माइनस प्लस प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस रूट इलेवन से प्लस रूट इलेवन तक। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, यूनियन लेना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा? प्रॉब्लम यहाँ पर है, क्या लेना चाहिए हमको सोच समझ के? आप सोचे थोड़ा सा दो मिनट की, इन दोनों को जो कॉमन सोल्यूशन इन दोनों का होगा, वो जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, कि अगर हम दोनों को ले लेते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब यहां पर आपने क्या लिया, इसका इंटरसेक्शन लिया, तो इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ना कि कॉमन सोल्यूशन लेना पड़ेगा। मतलब कॉमन सोल्यूशन लेना पड़ेगा इसमें, उसमें क्या था हमने दोनों को ले लिया था क्योंकि यहाँ पर और आ गया था, ठीक है ना, ये भी लेना था और ये भी लेना था, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम अलग है, यहाँ पर x की वैल्यू दोनों में जो कॉमन होगी वही इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी, सेवन लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू इलेवन। तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे पूरे को प्लॉट कर देते हैं सारे को, तो अब यहाँ पे चारों बन जाएंगे हमारे पास, तो सबसे बड़ा होगा रूट इलेवन, फिर रूट सेवन, फिर माइनस रूट सेवन, फिर माइनस रूट इलेवन, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, और उसके बाद हमें देखना है कि हमें कौन कौन सा पार्ट लेना है। तो पहले वाले के उससे जब हम बात करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस सेवन रूट सेवन तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये डार्क में रहेगा, और रूट सेवन से लेकर इन्फिनिटी तक ये रहेगा। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में इसने बोला कि
माइनस रूट इलेवन से प्लस रूट इलेवन के बीच का होगा। इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन है वो क्या होगा? इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा कॉमन सोल्यूशन होगा? एक ये वाला कॉमन जो दोनों में है और एक ये वाला कॉमन जो दोनों में, तो ये हमारे पास हो गया सोल्यूशन हमारा क्वेश्चन। तो क्या आंसर हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू माइनस रूट इलेवन टू माइनस रूट सेवन यूनियन रूट सेवन टू रूट इलेवन, इन दोनों के बीच का कोई भी आंसर होगा तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ऊपर क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, और इनके अलावा कुछ भी आप लेंगे तो फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब बात क्लियर हो गई कि इंटरसेक्शन कब लेना है और यूनियन कब लेना है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, लोग बहुत गलतियां करते हैं, आप जरूर ध्यान रखें। एक और क्वेश्चन में दे रहा हूँ, उसमें भी आपको इसी तरीके का सामना करना पड़ेगा। लिखिए आप मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन थ्री ठीक है, ये कुछ मैं आपको होमवर्क ही दे देता हूँ, आप जरूर इनको सॉल्व करेंगे और फिर आंसर बताएंगे। एक ये क्वेश्चन है हमारा, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन और इक्वल टू माइनस फोर। कैसे? पॉइंट एट रख के देखो, तो पॉइंट एट क्या बनेगा? पॉइंट एट रखने का कर रहा है सेटिस्फाई। पॉइंट सिक्स मतलब कुछ तो कर रहे हैं ना, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो वो चेक करनी है, आप चेक करें उसके बाद बताएं। मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, एक ये क्वेश्चन है हमारा। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसका भी आंसर बताना है हमको, इसकी वैल्यू क्या होगी। एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करना। फर्स्ट में एक्स इक्वल टू वन सही है बिल्कुल। जो लोग फैक्टराइज करने के बाद कट करने के बाद सॉल्व करेंगे उनका तो आंसर ठीक है। किसी ने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, किसी में पहले क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो आ गया। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अगर जीरो आ गया तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई, टू और वन। फिर हमको चेक करना पड़ेगा ना कि अपॉन में नहीं होना चाहिए, अपॉन में टू अगर हो गया, एक्स की वैल्यू टू हो गई तो अपॉन में जीरो हो जाएगा, और अगर अपॉन में जीरो हो गया फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो करेंगे अगले टर्म पे और भी क्वेश्चन है, कुछ मॉडुलस के कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टर्म। ओके।